क्या बात है, ड्राइवर साहब अभी तक नहीं आया। 2.5 घंटे लेट हो गए। क्या बात है, अभी तक ड्राइवर साहब नहीं आया, इतना लेट। अरे अब तो अजब ही, एक मेंबर ने 1.5 साल में इतने पैसे कमाए कैसे? उसका एक बार इंटरव्यू लेना पड़ेगा, उन्होंने बहुत माल कमाया। अरे गाड़ी तो उसने चकाचक करके रखा है। आ रहा है ड्राइवर, अरे जल्दी आ जाओ। मैंने पहले बोला था 10 बजे निकलना है। मेंबर जी बस थोड़ी देर हो गई। भूल गए थे क्या, आज राजबाड़ी जाएंगे। ड्राइवर जी ये लो चाबी, पहले कार को ठंडा करो। कल मैंने देखा था उसको चाय की, पता नहीं इतना बड़ा पेट लेके वो कैसे चल रहा है। कार ठंडा हो गया ड्राइवर जी? हो गया मेंबर जी, हो गया। ड्राइवर जी राजबाड़ी घूमने जाएंगे, वहाँ बहुत सारे तस्वीर खिंचवाएंगे। ठीक है सर। मेंबर जी मैंने आने में 2.5 घंटा लेट किया, आपने फिर भी कुछ नहीं बोला। दरअसल ड्राइवर जी मैं जिंदगी में पहले 14 साल ड्राइवरी की, दर दर में ठोकर खाए, इंसल्ट हुए, बेइज्जत हुए, लोगों की छोटे छोटे काम हमें करना पड़ा, किसी के फैन साफ करना पड़ा। इतनी सी बैग है फिर भी उसके 3 ताला में वो खुद ले जा सकता था, लेकिन नहीं ले गए। ड्राइवर को काम जो कराना है आखिर, तो मैंने ले गया। अब इतने ठोकर खाने के बाद हमारे दिल में माया जाग उठा कि मैं कभी ड्राइवर से नफरत नहीं करूंगा। इसलिए तुम 2.5 घंटा क्यों, अगर एक दिन भी देर करते तो कोई बात नहीं। मैं ये सोच रहा होता कि तुमने शायद कोई काम में फंस गए हो, घर में कोई हो भी सकता है ना, तुम भी तो एक इंसान हो यार। माना कि मैं आज बहुत करोड़ रुपए कमा लिए, फिर भी ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि मैं कभी नाराज नहीं होता। इसलिए हमेशा मैं ड्राइवर को इज्जत से बात करता हूँ। आप जैसा मालिक कभी नहीं मिलेगा साहब जी मेरे को, कि मैं हरिल लोगों की ड्राइवरी कर चुका हूँ, आप जैसा मालिक नहीं देगा। मैं पहली बार देख रहा हूँ आप जैसे मालिक। सामने चाय की दुकान पे रोकिएगा, चाय पियेंगे। आ गया चाय की दुकान। चाय दियो भाई साहब। उसने इतने पैसे कमाया कैसे? अरे उसने घोटाला वोटाला किया होगा। अभी तो उन्होंने हाईवे के बगल पे एक फ्लैट। ड्राइवर जी इधर आओ, चाय का जितना बिल हुआ पे कर दो। ठीक है मेंबर जी। मेंबर जी का और मेरा जितना भी बिल हुआ काट लो। ये लो 80 रुपया वापस मिला। 80 रुपये बचे, तुम रख लो। लाओ।
चाहिए। उस मेंबर की एक बार इंटरव्यू लेना पड़ेगा। वही मेंबर ना जिसका इतना बड़ा पेट है। हाँ हाँ, सही पहचाना आपने। पहले उसका पेट इतना नहीं था, मेंबर बनने के बाद बना। एक मेंबर का तनख्वाह 1000 से 1500 रुपया हर महीने का। हाईवे के बगल पे एक फ्लैट खरीद, अरे हाल ही में उसने एक कार भी खरीदा है। गांव में उसने एक बिल्डिंग भी बना रखा है, पहले तो कुछ भी नहीं था उसके पास। राजनीति में पैसा ही पैसा होता है। अरे वो रहा मेंबर साहब। अरे हाँ यही तो है, चलो उसका इंटरव्यू लेते हैं आज, चलो। अरे मेंबर साहब रुको रुको, आपका एक इंटरव्यू लेना था। सब बताएंगे भैया। आपको मेंबर हुए सिर्फ 1.5 साल हुआ, लेकिन आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से? 1.5 साल में इतने पैसे आए कहाँ से? मैं पहले क्या था मालूम है मीडिया जी? आप मालूम नहीं, मैं पहले ड्राइवर था। मैं खुद दारू से इतनी नफरत करता था, बाटली दारू, हर हर वोटर को अपने इस हाथों से जिलाए पिलाए, तो रात घर जाके 500 के हरियाली पहुंचाए, हरियाली नोट पहुंचाए, तब जाके रहा। मतलब अमित जी, सुना है आपने 36 लाख का बिल्डिंग बनाया? सही है, ठीक नहीं किया? मुझे मालूम है, ये गरीबों के अंधेरे का सवाल है, मुझे मालूम है। वो तो अंधेरे ये में काम ठीक नहीं है, लेकिन ये बिजनेस। लेकिन आप मैं क्या करता? मीडिया जी आपका क्या सवाल था? पहले तो पेट नहीं था, इतना बड़ा पेट कहाँ से? माल से बना है, लेकिन ये पेट क्या क्या खाकर बना है मालूम है? चुलाव पुलाव, मुर्गा मुर्गी, चिकन बिरयानी, कितने लाल प्यार से इस पेट को बनाया है भैया। इसमें मत मजा डालो, जाएंगे यहाँ वहाँ, आप लोग बिल्डिंग खरीदते हैं, खरीदते हैं, प्लाट खरीदते हैं, फिर भी हस्ता ठीक नहीं हो रहा है। हो जाएगा कुछ काम आपके पास से भी, हम लोग कर लेंगे। बिजली नहीं होता है हमारा, लगवा देंगे। हाईवे में हमारा बिल्डिंग है, सही सुना? वो बिल्डिंग कितने करोड़ का है मालूम है? 73 लाख खुद बनाए। लेकिन मैं आपको क्यों बोलूं? इतना पैसा आपके पास कहाँ से आता है? लेकिन मैं आपको क्यों बोलूं? आप लोगों को ठीक है ना सवाल का जवाब? तो हम चलते हैं फिर। ड्राइवर जी गाड़ी स्टार्ट कीजिए।